एक बार और मैं भी चलाएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई रात को हम यहीं पे सो गए थे। रात को है ना, मैंने बोला था कि हम एक साउंड वाला चक्कर लेके जा रहे थे, साउंड का लोड कर दिया था हमने टेम्पो। उसके बाद हम सोच रहे थे कि तीनों चारों चक्कर बचेंगे जो अपने, वो सारे के सारे रातों ही हो जाएंगे। बट भाई एक ही चक्कर में हमें सुबह 5 बज गए। उसके बाद फिर लड़कों ने भाई थक ही जाते हैं यार, क्योंकि पूरे दिन भर काम करते हैं, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं होगा। और वैसे भी सुबह ही हो गई थी यार, पूरे दिन भर से काम करते करते सुबह हो गई थी। फिर हम सो गए यहीं पे ही, नहीं किया काम। अब बाकी अब उठे हैं, टाइम क्या हो रहा है फिलहाल टाइम हो रहा है 10:01 हुए हैं। तो अभी मैं आधे पौने घंटे पहले उठा था। बाकी लड़के सामान लेके जा रहे हैं, वो अपना ट्रस्ट उधर खुला हुआ रखा था पीछे की साइड, ये कुर्सियों के पीछे की साइड वो दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, वहाँ पे खुला हुआ रखा था। बाकी अभी धीरे धीरे करके लड़के ले जा रहे हैं, दोनों गाड़ियाँ लग गई हैं। अब एक चक्कर तो चला गया, दो चक्कर और बच रहे हैं। तो ये सारा कंप्लीट यहाँ से भर भुरा के अपना लोड करके फिर निकल रहे हैं सीधा आज सुंदरम में, क्योंकि आज अपना काम वहीं पर है। एक्चुअली ये वाला मुझे पता भी नहीं था, मुझे सिर्फ इतना पता था, मुझे पहले यही पता था कि 3 दिन बैक टू बैक खैरतल में है, चौथे दिन का नहीं पता था। जिसमें से स्टार्टिंग के 3 दिन का सीन ये था कि पहले दिन हमारा था महावर के अंदर, महावर धर्मशाला एक उसके अंदर था, और 2 दिन बैक टू बैक इसके अंदर था। इसका नाम है ग्रीनलैंड, जहाँ पे अभी एट प्रेजेंट मैं हूँ। उसके बाद ये वाला मेरे को पता नहीं था गोलू ने, ये बाद में पता लगा मेरे को। आज जो हम जा रहे हैं वो है सुंदरम, तो सुंदरम अलवर में, अलवर के अंदर भी है। तो मैं सोच रहा था कि अलवर वाली सुंदरम के अंदर बोल रहा है गोलू कि वहाँ पे अपना, लेकिन फिर उसने आज बताया मेरे को रात को कि भाई खैरतल के अंदर ही जो सुंदरम है उसके अंदर, कि भाई आज का यहाँ हो रहा है, उसके बाद अपने घर चलेंगे। आज मतलब अपना वो वाला काम करके जो सुंदरम में अपना सामान जा रहा है सारा की सारा, वहाँ पे कंप्लीट करके आज का पूरा प्रोग्राम ख़त्म करके अब निकलेंगे सीधा अलवर के लिए, क्योंकि अब अपना काम खत्म। यहाँ पे 4 दिन हो गया बैक टू बैक, अब जितने भी काम है अपने वहीं पे है। मुझे नहीं पता है कैसे शेड्यूल है, लेकिन फिलहाल तो इतना ही है कि 4 दिन यहाँ का था, जो कि आज लास्ट डे है, ये हो जाए ख़त्म, उसके बाद सीधा अलवर। तो आज हम रात को ये करने के बाद सीधा अलवर के लिए निकलेंगे। अब भाई लास्ट एंड फाइनल राउंड जा रहेगा अपना, 3 राउंड चले गए, मतलब 3 चक्कर चले गए साउंड के और ट्रस्ट के पूरे। अब एंट्री का सामान, मतलब एंट्री का भी चले गया था, मटके वगैरह चले गए थे, सिलेंडर लोड कर रहे हैं लड़के। और मैं यहाँ पे स्टेज पर आया था एक बार सामान देखने यहाँ पे, क्योंकि अपना सेटअप कल यहीं पे लगा था ना पूरा, तो एक बार मैं चेक करने आया था कोई सामान छूट तो नहीं रहा। बाकी अपन चल रहे हैं टेम्पो के पास, देखते हैं कितना लोड कर रहे हैं। सिलेंडर रख रहे हैं और सिलेंडर होता हैवी, अभी दिखाता हूँ मैं कितने हैवी होते हैं CO2 के सिलेंडर। देख लो, मैंने बोला था ना कुछ छूट रहा होगा, ये देख लो सप्लाई बोर्ड रह रहा है, हालांकि अपना नहीं है, कल जो LED वाले लगे हुए थे अपने साथ उनका बोर्ड है, और आज भी वो अपने साथ ही है। सुंदरम के अंदर अपना भी काम है और LED वाले भी साथ ही आएंगे, तो वहीं दे देंगे उनको। हाँ हो गए, ये लो भाई ये सिलेंडर है की, ये दिख रहा है ये वाला सिलेंडर है ना, ये एक ही 180 किलो का सिलेंडर है, ये देख लो। और ये हमारी जान है, देख मेरी जान। लो भाई पूरा टेम्पो लोड कर दिया, सारा के सारा सामान रखा है, तो जो सिलेंडर वगैरह थे CO2 के रख दिए, जो हल्का फुल्का सामान बच रहा था वो भी रख लिया, और वो भाई का बोर्ड था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो LED वाला भाई मिलेगा अपन को सुंदरम में, वहीं पे दे देंगे, क्योंकि उनका भी वहीं पे काम है। बाकी फिलहाल निकल लिया सुंदरम के। लो भाई उतर गए, आ गया अपना सुंदरम रिसोर्ट। आ जाओ भैया आ जाओ, रात को जब लेके आए थे, रात को नहीं सॉरी सुबह लेके आए थे साउंड वाला चक्कर लास्ट, तो वो लेके आए थे हम सुबह 4 बजे। वो देखो उस साइड रखा हुआ है अपना पूरा साउंड, वहाँ पे मार के थे। ये वाला सामान ट्रस वगैरह ये तो अभी आया है, वो रख गए थे वहाँ पे। हाँ भैया आटा फट गई पैंट भाई, आज अपना पूरा ट्रस इस साइड लगेगा यहाँ पे। ये देखो इस साइड, ये सेंटर है इसका, यहाँ पे टेपर है ये थोड़ा सा हल्का सा, ये थोड़ा इस साइड टेपर है ना, यहाँ पे लगेगा। बाकी वैसे लगना यहाँ था, लेकिन ये जो LED डिस्प्ले है ये बहुत ज़्यादा साइज़ की है, मतलब अपने जो ट्रस्ट है अपना उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इस चक्कर में इसके बीच में तो आ नहीं पाएगा, ना बीच में ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं आ सकता, इसलिए LED उस साइड है और साउंड अपना यानी कि ट्रस्ट इस साइड लगेगा। लो भाई मैं तो आँख खुली अभी, सो गया था मैं। टाइम क्या हो रहा है, टाइम देख लो एक बार, 4 बज रहा है फिक्स, और 4 बजे तक कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ फ्रेम खड़ा किया था, मतलब ट्रस्ट का जो अपना ये होता है फ्रेम, ये खड़ा करा सिर्फ, इस पर लाइट्स वगैरह कुछ नहीं लगाई। तो अपना 1 घंटे का टारगेट है, 1 घंटे के अंदर इसके ऊपर LED लाइट्स लगानी है, CRP लगानी है, वायरिंग करनी है उन सब की, और लाइट्स लेके चेक करना है उनका। चलो तो फिर स्टार्ट करता है। एक्चुअली 3-4 दिन से काम कर रहे हैं लगातार, तो भाई थक गए थे बहुत ज़्यादा, मैं तो सो गया था, मैं सो गया सबसे पहले, उसके बाद 3-4 लड़के सारे सो गए, गोलो भी सो गया, बाकी अभी उठे हैं, अब लग रहे हैं बस अपना 1 घंटे में रेडी करके देना है अभी। लो भाई साहब ये लगा दी, इधर पूरी की पूरी CRPs लग गई,
इधर पूरी की पूरी एलईडी हो गई। बाकी एक बार गोलू गया अभी लाइट्स के लिए, मतलब मेन पावर सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रिशियन को ढूंढने, जैसे ही कनेक्शन मिल जाता लाइट्स का तो फिर अपन इनकी टेस्टिंग ले लेंगे एक बार एलईडीज की, और जैसे ही चेक हो जाएंगी उसके बाद ट्रस्ट को ऊपर लेते हैं और फिर लगाएंगे साउंड, क्योंकि जब तक ट्रस्ट ऊपर नहीं जाएगा तब तक साउंड नहीं लगा सकते। तो इसलिए एक बार ये चेक हो जाए, सर्वे वगैरह जैसे ही ओके हो जाएंगी सारी की सारी चल जाएंगी। वैसे तो ओके होती, लेकिन एक बार चेक करना ठीक है, क्योंकि नीचे रहे तभी चेक कर लो, क्योंकि ऊपर जाने के बाद फिर अगर कोई फॉल्ट हो, कोई डिफॉल्ट हो, कोई भी दिक्कत हो तो फिर दोबारा ट्रस्ट नीचे लेना पड़ता है। इसलिए नीचे में एक बार चेक कर लो, उसके बाद जैसे ही ओके हो जाए, ग्रीन सिग्नल दो ट्रस्ट ऊपर, उसके बाद साउंड लगना स्टार्ट। कौन सी आउट जा रही है अभी? तो सारी आउट ही है या दूसरी? ये वाली डीएमएक्स पे नहीं आई अभी आ रही है। लो भाई लाइट्स वगैरह सारी चेक हो गई और अब ट्रस्ट ऊपर ले रहा है, लाइट ठोक के ट्रस्ट ऊपर। ये देखो ये ट्रस्ट ऊपर जा रहा है। पूरा ही पूरा ट्रस्ट ऊपर ले, लाइट चेक होने के बाद साउंड भी लगा दिया। स्पीकर ये लग रहे स्पीकर, बाकी इधर रख रहे हैं, एक इधर और एक इधर, बाकी दो स्पीकर दो बेस इधर, दो स्पीकर दो बेस इधर। भाई सारा वायरिंग वगैरह कर दी, सारी इधर वायरिंग हो गई, ये बोर्ड वगैरह सब भर दिए, तार वार सब लगा दिए, अब बस एक बार मिक्सर रख दिया इधर, बाकी अब एक बार लैपटॉप उठा के अपना अब एक बार बस साउंड चेक और लाइट चेक करने दोबारा, क्योंकि पहले तो कर ली थी अपन ने ट्रस्ट ऊपर लेने के बाद ऑन नहीं करी, तो एक बार अब और ऑन कर लेते हैं। अभी चेक हो रहा है, अभी चेक हो रहा है, बाद में चलेंगे गाने, है ना। चेक साउंड चेक लाइट्स चेक सीआरपी चेक और पूरा की पूरा सेटअप चेक, और कमेंट बताया ना एक बार आज का सेटअप कैसा लग रहा है। भाई बहुत मेहनत लगी है आज, ठीक है, तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आज का सेटअप कैसा लग रहा है भाई। इसके बाद खैर अपना तो काम नहीं है, वो अपना तो डीजे का ही है, क्योंकि अपन तो यही संभालते हैं। उधर उधर दिख रहा होगा आपको मटके दिख रहे हैं, वहाँ पे वो मटके भी लगे हुए हैं, तो वो भी अपना ही है। आज यहाँ पे भी, कल भी वहाँ पे अपना था और आज यहाँ पे ट्रायल्स वाला कॉन्सेप्ट है। ड्रायर्स वाले कॉन्सेप्ट की डेडिकेटेड वीडियो कभी मैं लेके आऊंगा, लेकिन अभी नहीं है, कभी और कभी लेके आएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा। अभी इतना ज़्यादा लोड है कि भाई डीजे का भी करना होता है और फिर वो सारे काम भी, और भी काफ़ी काम होता है। तो जब डीजे का जिस दिन नहीं रहेगा ना, उस दिन हम एक डेडिकेटेड ब्लॉग लेके आएंगे, किसका, ड्राई आइस का, वो पूरा ही पूरा कैसे होता है, कैसे क्या सारी चीज़, छोटी छोटी डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे एक। बाकी फिलहाल सिनेमेटिक शॉट ले लो। वरमाला कॉन्सेप्ट रेडी है और आज गर्ल्स भी है, मतलब गर्ल्स का परफॉर्मेंस भी है वरमाला के टाइम, दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखो वरमाला हो गई और कंफर्ट वगैरह स्मोक सारी चीज जेट वगैरह सब कुछ, ये देखो भैया। एक बार और मैं भी चलाएगा। लो भाई वरमाला वगैरह सारी खत्म हो गई, स्टेज का पूरा प्रोग्राम खत्म, और मैंने डीजे सारा कुछ बंद कर दिया। देखो सवार के सारे लाइट्स एलईडी वगैरह सारी कुछ बंद कर दिया, मशीन्स भी बंद कर दी, बस एक ही बचा रखी है, वो भी इसलिए अरे ले बंद वॉल्यूम डाउन कर रखा है, बंद नहीं करी। लो ये कर दी बंद, सारी मशीनें बंद है, सिर्फ एक चला रखी, वो भी इसलिए क्योंकि सामने की साइड थोड़ी गैदरिंग है ना, तो जब तक गैदरिंग कम नहीं होती तब तक म्यूजिक बंद नहीं कर सकते, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ता। बाकी सारा कुछ खत्म है, एलईडी वगैरह सारा कुछ इधर खत्म, सारा कुछ इधर खत्म हो गया। लुट गई लंका, खत्म।
और मेरे गले की हो गई ऐसी की तैसी। आज चौथा दिन है भाई बैक टू बैक लगातार काम करते करते, और आज फाइनल भी है। सीधा घर निकलेंगे पैक करके, और मेरी आवाज चेंज हो गई। साउंड ऑन सारा पैक कर दिया, पैक नहीं सॉरी बंद कर दिया, लाइट्स वगैरह सारी बंद, ऑपरेटिंग वगैरह सारी अपनी उतार उतर ली, मशीन बंद कर दी सारी। अब साउंड पैक कर रहेंगे, और पैक करने के बाद टेम्पो आ रहे हैं, अभी गाड़ी आ रही है अपनी, तीन आ रही है, तीनों गाड़ी एक साथ जाएंगे। तो अब पैक कर रहे हैं साउंड, उसके बाद फिर लोड करेंगे और घर की तरफ। करूँ दिखाऊँ? देख देख बोल मत, अरे बोल। साउंड पे कर दी मैंने को। ले ओहो, खत्म खत्म, हटा दिया मैंने यार पेटी तो, यार भाई यही हटाएंगे यार। ओए रुद्र पेटी हटा दिया यार। लो भाई सारा के सारा खत्म कर दिया, खत्म क्या मतलब कि लाइट्स वगैरह उतार ली, ट्रस्ट भी उतार लिया, बस ये चार पिलर बच रहे हैं, एक ही वाला बच रहा है, बाकी के तो सारे साइड वाले तो सारे उतार लिए, बस ये सेंटर वाले पिलर बच रहे हैं। और सारी चीज़ पैक हो गई, साउंड वगैरह पूरा पैक हो गया, देख लो इधर सारा कुछ पैक हो गया, मशीन्स वगैरह भी सारी पैक हो गई। बस ये इसे डिसम्बल को वो कर रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं ट्रस को, और जितना टाइम में हम इधर खोलेंगे उतना टाइम में अपनी गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद ही लोड होकर निकलेंगे घर की साइड, अलवर निकलना है आज। बाकी भाई मेरा गला बैठ रहा है, गला क्या बैठ रहा है, मैं तीन दिन से यहाँ पर दवाई लेके काम करता, स्टार्टिंग वाले दिन में आया था जब, तो मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर मैं मेडिकल से मेडिसिन वगैरह ली मैंने, खांसी जुकाम बुखार की, तो जब तक मेडिसिन का असर था तब तक ठीक है, बाकी अब आज मेरे पास लास्ट मेडिसिन थी, वो सुबह ही खुराक थी एक मैंने ले ली थी, उसके बाद भाई अब गला बैठ रहा है और धीरे धीरे लग रहा है मेरे को, क्योंकि अब हरारत सी हो रही, हो जाता है ना फील, हो जाता है अंदर से फीवर सा हो रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है मुझे। बाकी जुकाम बुखार हो जाएगा थोड़ी बहुत देर बाद, धीरे धीरे आ रही है फील मेरे को, और खांसी तो है ही, खांसी से गला बैठ रहा है पूरा ही पूरा। बाकी बस एक बार ये खुल जाए, वो खुलते सीधे लोड करेंगे और फिर निकलेंगे भाई अब अलवर के लिए। चार दिन हुए घर से दूर, पापा को फ़ोन आया था, क्योंकि जब हम निकले थे तो मुझे चौथे दिन का पता नहीं था कि चौथे दिन भी यहाँ पे काम है, मुझे गोलू ने बताया था कि तीन दिन काम है, तो मैं उसी हिसाब से वही आइडिया लेके चला था। मेरे पापा को बोला कि भाई तू तो कह रहा था तीन दिन का काम है वहाँ पे बाहर, तो मैंने बोला पापा को ऐसे ऐसे, चल पापा घर पे कोई बात नहीं, बाकी ठीक है अब निकलना तो आइए। अभी पाँचवा दिन होगा, चौथा भी नहीं, क्योंकि 12 बजे के बाद तो अगला दिन लग गया, तो पाँचवा दिन हो गया भाई। बाकी आज जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो ये हुई कि लाइट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीआरपी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार में सारी चीज़ें चल गई, और टाइम का भी बिल्कुल भी इशू नहीं रहा, सारी चीज़ें टाइम से, मतलब लाइट्स चेक हो गई टाइम से, साउंड चेक हो गया पूरा पूरा, ट्रस्ट पूरा पूरा, डीजे सेटअप अपना टाइम से ओके हो गया, चल गया सारा ही सारा। बाकी स्टेज के ऊपर जो काम हुआ था वो भी सारा एकदम परफेक्ट हुआ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई, और बाकी जितना मैं कवर कर सकता था मैंने दिखाया वीडियो में, बाकी आप भी कमेंट्स करके बता देना आपको कैसा लगा। बाकी इन सारी चीज़ों जो जो इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने कवर की है उसमें किसी भी चीज़ की पर्सनल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो डू कमेंट, मतलब कमेंट्स कर देना वीडियो के अंदर, तो उसकी डेडिकेटेड वीडियो अपन ले आएंगे। लो भाई सामान वामान अपना पूरा लोड कर कर आगे निकल लिया, एक टेम्पो तो आगे चला गया, बाकी एक ये रहा जिसमें पूरा ट्रस भरा हुआ है, और उसमें आधा फ्लोर वगैरह है, सारी चीज़ें मटके वटके जो होते हैं ट्राय वाला कॉन्सेप्ट होता है, और बाकी में छोटा मोटा साउंड है, बाकी मेन साउंड दूसरा वाले में चला गया।